हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो जैसा गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब में है और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत जोरों पे है। आप करीब क्या कह लीजिए कि बस गिने चुने 2-3 दिन और बचे हुए हैं आपके पास, और लगभग लगभग आपके कोर्स भी कम्प्लीट कर दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो मेजर चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सकती हैं, तो क्रैश कोर्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है गाइस। इसके पहले मैंने आप लोगों को टेंस बताया था, नरेशन के बारे में भी मैंने बताया था, आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच भी बताया गया था। तो टेंस में 2 सेंटेंसेस बच गए थे, 2 सेंटेंसेस बीच में क्लोज करके आप लोगों को सेंथेसिस को बताना पड़ा था और उसके बाद जो है फिगर ऑफ स्पीच में ले चलना पड़ा था। तो जब ऐसी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करने लगे थे तो 2 सेंटेंसेस बच गए थे, क्योंकि सेंटेंस इसलिए कंपल्सरी है गाइस कि सेंटेंस के ही थ्रू आपका पैसेज सॉल्व होना है, सेंटेंस के ही थ्रू आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनना है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने ग्रामर के पोर्शन को एकदम स्ट्रांग करें, क्योंकि ग्रामर हमारा स्ट्रांग होगा तो ये कह लीजिए कि आपके ग्रामर से रिलेटेड 50% से अधिक क्वेश्चन टेंस से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोग टेंस की बातें करते हैं, तो जहाँ तक टेंस की बात है वो टेंस यहीं पे क्लियर होना है। तो स्टेंस की बात अगर करते हैं हम, तो हम लोगों का क्या है, फ्यूचर परफेक्ट चल रहा था। तो फ्यूचर परफेक्ट को हमने क्या बताया था, फ्यूचर किसको बोलते हैं, भविष्य, यानी कि जो घटना आने वाले समय में होगी, हम जिसकी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, उसे ही हम फ्यूचर कहते हैं। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और भविष्य में टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, आपको अच्छे से पता है, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, यानी कि जो कार्य भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा, हम उसका वर्णन जिस टेंस में करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है गाइस, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, व्हेन, चुका होगा, लिया होगा, गया होगा, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी से नो इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, लिया होगा, गया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। पहचान के बाद बारी किसकी आती है गाइस, स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, संरचना, यानी कि अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं इसमें है, जिसे अब तक आप पढ़ते आए, अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, तीनों सेंटेंसों का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य की स्ट्रक्चर्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। गाइस आई वांट टू रिमाइंड यू समथिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट वीडियोस, ओनली लीव टू इंडिफिनिट ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर विल बी सेम। मैंने आपको बताया था ना कि केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, तीनों ही इंडिफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन जो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के, अलग अलग होते हैं। बाकी सारे सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने यही पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सेम कंडीशन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में भी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, कंडीशन वही है। कंडीशन कितने से बदल रहा है कि जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बदल जाएगा तो सेंटेंस अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है गाइस, विल हैव एंड शैल हैव, ठीक है, केवल हमको सहायक क्रियाएं चेंज कर देनी है, सेंटेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इट मींस इफ वी विल चेंज द हेल्पिंग वर्ब द सेंटेंस ऑटोमेटिकली विल बी चेंज्ड। तो हम बात करते हैं कि सेंटेंस को बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल सहायक क्रियाओं में परिवर्तन हो जाता है। अगर यहाँ विल हैव शैल हैव लगाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ केवल हैज और हैव का यूज कर देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, और केवल हैड का प्रयोग कर देते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर, जैसे वह इस लावारिस लाश को ले जा चुका होगा,
ठीक है। नाउ इज मैटर, वह इस लावारिस लाश को ले जा चुका होगा, यानी कि यहाँ कार्य हम क्या कर रहे हैं, जिस लावारिस लाश को मैंने देखा उसके बारे में बात हो रही है, को ले जा चुका होगा, यानी कि काम पूरा हो चुका होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, कौन ले गया है, वह ले गया है, वह किस होती है, ही। और ही के बाद हम क्या करते हैं गाइस, परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, और इस टेंस की सहायक क्रिया आपको मालूम ही है क्या होता है, विल हैव और शैल हैव। तो केवल आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल हैव यूज करते हैं, बाकी सब के साथ विल हैव। तो ही विल हैव ले जा चुका होगा, क्या कैरी, कैरी का थर्ड फॉर्म कैरीड हो जाएगा, ही विल हैव कैरीड क्या इस लावारिस लाश को। तो इस लावारिस लाश की इंग्लिश क्या हो जाती है, दिस अनक्लेम्ड डेड बॉडी। ओके गाइस, क्या हो गया, ही विल हैव कैरीड दिस अनक्लेम्ड डेड बॉडी। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं उसको सबक नहीं सिखा चुका हूं, ओके गाइस क्या हो गया, मैं उसको सबक नहीं सिखा चुका होऊंगा, तो कौन नहीं सिखाया है, मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। तो आपको हमने पहले बताया आई और मी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सेल। अब उसके बाद क्या है कि नेगेटिव वर्ड भी है इसमें, माइंड कीजिएगा कि जब भी सेंटेंसेस नेगेटिव बनेंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब का पहला पॉइंट सब्जेक्ट से पहले, और सॉरी नेगेटिव से पहले, और दूसरा पार्ट नेगेटिव के बाद। तो आई सेल के बाद में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, तो आई सेल नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव, आई सेल एंड नॉट हैव, क्या किया है मैंने, सिखाया है। सिखाने की इंग्लिश क्या होती है गाइस, सिखाने की इंग्लिश होती है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई सेल नॉट हैव टॉट किसको, उसको, टॉट हिम, क्या सिखा रहे हैं, अ लेसन, ठीक है। जैसे क्या हम नदी के किनारे रस्सा कसी खेल चुके हैं, रस्सा कसी खेल चुके होंगे, ठीक है, क्या हम नदी के किनारे रस्सा कसी खेल चुके होंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं गाइस जिसको हम अच्छे से भूलते जा रहे हैं। हम लोगों के पास्ट में क्या होता था, हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, पूर्वज होते थे, वो बहुत सारी फिजिकली, जो फिजिकली हम लोगों को स्ट्रांग रखते थे, ऐसे गेम खेला करते थे। आज हमारे समय में वो गेम लगभग लगभग गायब होते जा रहे हैं। तो ये रस्सा कसी भी उन्हीं में से एक है। रस्सा कसी में क्या होता था आपको पता है, कि दो पार्ट्स होते थे, आधे एक तरफ आधे एक तरफ, और एक रस्सा खींचने का काम होता था। तो जिसकी तरफ रस्सा खींच जाता था वो विनर होता था, और जिसकी तरफ से हाथ छूट जाता था वो डिफीटर होता था, लूजर होता था। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या हम नदी के किनारे रस्सा कसी खेल चुके होंगे। तो क्या सबसे पहले आ गया है, तो हमने क्या बताया, इसकी सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड में क्या आ जाए तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते। अगर यही क्या बीच में आ जाएगा तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन अगर ये किनारे आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तब हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू करते हैं। तो हम मतलब आई और मी के साथ सेल, सेल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल को यूज कर लेंगे, सेल के बाद क्या हो जाएगा, हम, सेल वी, उसके बाद क्या होगा, हैव, यानी कि सहायक क्रिया का दूसरा पार्ट, सेल वी हैव क्या किए हैं, खेल चुके हैं, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, सेल वी हैव प्लेड, क्या खेले भैया, रस्सा कसी किसको बोलते हैं, टैग एंड वॉर, क्या होता है, टैग एंड वॉर, एंड कहां खेल रहे हैं, एट द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। जैसे किसान खेत में फसल क्यों नहीं काट चुका होगा,
ओके गाइस, किसान खेत में फसल क्यों नहीं काट चुका होगा? तो सबसे पहले आप गेस कीजिए क्यों आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है गाइस? व्हाई। क्या होता है? व्हाई। अब उसके बाद क्या है? व्हाई के बाद हम करेंगे क्या? सहायक क्रिया का पहला पार्ट। तो व्हाई विल, किसान की इंग्लिश क्या होती है? फार्मर। व्हाई विल फार्मर। उसके बाद नॉट, फिर हैव। व्हाई विल फार्मर नॉट हैव, किया क्या है? काटा है। काटने की इंग्लिश, काटने की इंग्लिश क्या होती है? देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है दांत से काटना, एक होता है किसी हथियार से काटना। अगर दांत से काटने की बात करेंगे तो हम कट नहीं लगाएंगे, और हथियार से बात करेंगे तो हम बाइट नहीं लगाएंगे। बाइट का मतलब क्या होता है? दांत से काटना, और कट का मतलब होता है किसी हथियार से काटना। जैसे हम पेड़ काटेंगे तो दांत से तो नहीं काट सकते, इसलिए वहां क्या लगना है? कट लगना है। तो यहाँ पर भी फसल को हम हसिये से काटते हैं ना, तो हसिये से काटेंगे तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? कट लगेगा। तो व्हाई विल फार्मर नॉट हैव कट, और कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, सेम होता है। तो व्हाई विल फार्मर नॉट हैव कट, क्या काटना दिया? फसल। फसल को क्या बोलते हैं? क्रॉप। व्हाई विल फार्मर नॉट हैव कट क्रॉप, काट कहाँ रहा है? इन फील्ड। इज दैट क्लियर? आई होप सो कि जैसा मैं आपको बताया था कि केवल एक सेंटेंस से, किसी भी टेंस का एक सेंटेंस इंडिफिनिट को छोड़ करके, अगर आपने केवल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लिया है तो सेम कंडीशन आपकी किसकी है? पास्ट की है। वही कंडीशन किसकी है? फ्यूचर की है। यानी कि तीनों सेंटेंसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, केवल चेंजिंग हमको करनी होती है। तो सहायक क्रियाओं की, सहायक क्रिया बदलते ही टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। गाइस हमने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास समय कम काम ज्यादा है, मतलब अब आपके पास गिने चुने दो दिन केवल बचे हुए हैं। आज 21 तारीख है, 22 और 23। फिर से एक बार मैं आपको रियलाइज करना चाहूंगा कि एग्जाम को कभी भी डिप्रेशन में मत लीजिएगा, क्योंकि डिप्रेशन में आने के बाद जो चीजें याद भी रहती हैं वो भूल जाती हैं। सबसे पहले रिलैक्स फील करो, कंफर्ट फील करो, खुद पर विश्वास करो कि जितना आपने तैयार किया है उसे सॉलिड तरीके से कर सकते हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप एक्साइटमेंट में नहीं आएंगे, कभी भी जल्दबाजी में नहीं आएंगे। क्लास में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, हम लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं था। आप लोगों को तो गवर्नमेंट ने 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया है पेपर रीडिंग का। तो जितनी एक्साइटमेंट है, जितनी जल्दबाजी है, पेपर रीडिंग में कीजिए। पेपर को एक बार की बजाय दो दो बार पढ़िएगा, जितना ज्यादा आपके पेपर समझ में आएगा आंसर उतना ही आसान होगा। तो ठीक है गाइस, हमें समझ में आता है कि हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके सेंटेंस समझ में आ गए हैं, आपको टेंस समझ में आया है, दुविधा नहीं है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ कमियां समझ में आती है, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम लोग उसको परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, नए तरीके से मॉडिफाई करके आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।